कल हमने तीन प्रकार के भोजन चर्चा करे थे, सत्व गुण का आहार, रजोगुण का आहार और तमोगुण का आहार। सत्व गुण का आहार था जो आयु बढ़ाता है, बल बढ़ाता है, स्वास्थ्य बढ़ाता है, सुख और पोषण, प्रीति, संतोष देता है, उसके अंदर रस रहता है, स्निग्ध होता है, और ये सत्वगुण के आहार के गुण थे। उसके बाद रजोगुण का आहार, रजोगुण का आहार था जो बहुत तीखा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत गर्म, चटपटा, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी, जिसमें मिर्च मसाला बहुत ज्यादा हो जाता है। ज्यादा मिर्च मसाला होने के कारण वो प्रसाद जो कि सत्वगुण था है, सत्वगुण से वो रजोगुण में पहुंच जाता है। बहुत तीखा है, बहुत खट्टा है, वही मसाले उसको रजोगुण में लेके चले जाते हैं। तो ये रजोगुणी आहार से क्या होगा, दुख होगा, शोक बढ़ेगा, रोग उत्पन्न होंगे। रजोगुण का स्वभाव क्या है, नेक्टर इन द बिगिनिंग पॉइजन इन द एंड, शुरू में लगेगा अमृत के समान, बहुत स्वाद आ रहा, बहुत अच्छा है, नेक्स्ट दिन पता चलता है पेट खराब हो जाएगा, कुछ होगा, गड़बड़ होगा, तो फिर रोग उत्पन्न करता है, ये रजोगुण का आहार। और तमोगुण का आहार तो और बाकी, ये मांसाहार और मदिरा, स्वादहीन, वियोजित, सड़ा, झूठा, अस्पृष्ट वस्तुओं से युक्त भोजन, ये सब तामसी होता है। तो आज हम पढ़ेंगे तीन प्रकार के यज्ञ। तीन प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक होता है सात्विक यज्ञ, दूसरा राजसिक यज्ञ और तीसरा तामसिक यज्ञ। अफलाकांक्ष वीर्यज्ञो विदित दिष्टो यजते यष्टव्यम में वेति मनः समाधाय स सात्विकः। तो यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार। तो एक तो वो यज्ञ को किस लिए किया गया, शास्त्र के अनुसार, मन से यज्ञ नहीं किया गया है, शास्त्र के अनुसार वो यज्ञ है। जिस तरह इससे पहले पूजा के बारे में भी आया था इसी अध्याय में, पूजा भी अलग अलग प्रकार की, सात्विक पूजा है जो शास्त्रों के विधि के अनुसार। और तो शास्त्र के अनुसार है वो यज्ञ होना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार है, विधि विधान के अनुसार होना चाहिए, तब वो यज्ञ के कैटेगरी। तो शास्त्र के अनुसार है, फिर कर्तव्य समझकर वो व्यक्ति उसको कर रहा है कि हमारा कर्तव्य है ये करना चाहिए, वो कर्तव्य समझ के उस कार्य को कर रहा है, और बिना फल की इच्छा के, फल की इच्छा नहीं करते हो। कभी कभी शास्त्रों के अनुसार यज्ञ किया गया है, लेकिन उसके पीछे कुछ उद्देश्य है कि हमें इस यज्ञ के माध्यम से ये फल चाहिए, अच्छा धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, कुछ फल की इच्छा लेके साथ। अगर फल की इच्छा के साथ यज्ञ किया जाता है तो वो फिर सात्विक नहीं रहता है। ये अगर सीधे हम कर्तव्य समझ के अगर कुछ करेंगे तो वो सात्विक होगा। एक तो शास्त्रों के निर्देश के अनुसार और कर्तव्य समझ कर। सामान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए, कुछ प्रयोजन नहीं होना चाहिए यज्ञ पीछे, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ मंदिरों या गिरजाघरों में बनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतया भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे, फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। तो ये जो कार्य है, मंदिर जाना, भगवान को प्रणाम करना, कुछ भगवान को चढ़ाना, नमस्कार करना, जो कुछ है, इसके पीछे अगर कुछ उद्देश्य है, कुछ मंतव्य है, कुछ प्रयोजन है, तो फिर वो सतोगुण में नहीं, वो रजोगुण में चले जाएगा। सतोगुण में होगा जब वो कर्तव्य समझ के कर रहे हैं। चार प्रकार के स्तर होते हैं, तो चार कारण से व्यक्ति भगवान के पास जाता है।
एक सबसे लोअर वाला होता है फियर, भय के कारण। तो जो तमोगुण वाला व्यक्ति है भय के कारण जाएगा, अगर जाएगा तो। और रजोगुण वाला डिजायर, कुछ इच्छाएं हैं, फल की इच्छाएं हैं वो पूरा करने के लिए। और सत्वगुण वाला ड्यूटी, आउट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के कारण वो भगवान के पास जाएगा। और शुद्ध, अगर भक्ति के अनुसार, भक्ति के भाव से अगर कोई जाता है तो वो प्रेम के कारण भगवान के पास जाता है। फियर डिजायर ड्यूटी लव। तो फियर था तामसिक, डिजायर रजोगुणी था, ड्यूटी सात्विक था, और लव था शुद्ध सात्विक। चार कारण से कोई व्यक्ति, चार इंस्पिरेशन होता है भगवान के पास जाने के लिए। चार इंस्पिरेशन है कि फियर डिजायर ड्यूटी लव। तो एक तामसिक है, एक राजसिक है, एक सात्विक है, और एक शुद्ध भक्ति की इंस्पिरेशन है। तो यहाँ पे बताया कि सत्वगुण में व्यक्ति कर्तव्य के अनुसार जाता है। तो पता है कि मेरा कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं। ऐसा नहीं कि हम मंदिर जा रहे हैं और उसमें कुछ आर्थिक लाभ हमारा उद्देश्य है। हम मंदिर जाएंगे तो जिस दिन हमारा पेपर होगा उस दिन हम मंदिर जाएंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे पेपर अच्छा जाए, बस छुट्टी लगी हम उसके बाद कभी मंदिर नहीं जाएंगे। फिर जिस दिन एग्जाम का पेपर होगा उस दिन हम मंदिर जाएंगे। तो ये आर्थिक लाभ के लिए। एक व्यक्ति जा रहा है, जब उसकी जॉब लग रही है, इंटरव्यू है, उस दिन मंदिर जाएंगे। जॉब लग गई, अच्छी सैलरी आने लगी, बस मंदिर जाना बंद। तो जब कुछ काम होता है तो मंदिर जाते हैं, ये सब रजोगुणी है। लेकिन सत्वगुणी वाली आउट ऑफ ड्यूटी, सुख हो दुख हो संपदा हो विपदा हो, हर परिस्थिति में सत्वगुण वाला व्यक्ति मंदिर जाता है। को पता है कि भगवान के पास जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सत्वगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। तो इस तरह शास्त्रों के अनुसार भगवान को रोज प्रणाम करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं हमारे मंदिर में, रोज ऑफिस जाने से पहले रोज मंदिर में आते हैं भगवान को प्रणाम करने। उनका नियम है कि रोज मंदिर जाना है, भगवान को प्रणाम करना है। सुख हो दुख हो रोज वो भगवान को प्रणाम करते हैं, कर्तव्य समझ कर, सात्वगुण का। अभी हम आ रहे हैं राजसिक कार्य। अभी संध्याय तो फलम दम्भार्थमपि चैव यद्यते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विद्धि राजसम। लेकिन हरे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी समझो। तो जो काम कर रहा है या यज्ञ कर रहा है किसके लिए? भौतिक लाभ के लिए। ये यज्ञ के माध्यम से हमें नौकरी लग जाना चाहिए, इस यज्ञ के माध्यम से हमें ये मिल जाना चाहिए, इस यज्ञ के माध्यम से हमें वो मिल जाना चाहिए। भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, अपने नाम प्रतिष्ठा इसके लिए किया जा रहा है, तो वो राजसिक है। कभी कभी स्वर्ग लोग पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे या यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। तो ये स्वर्ग जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, इस तरह के लिए जो व्यक्ति कुछ कार्य करता है वो सब राजसिक यज्ञ है। 13 नंबर, विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तो तामसिक यज्ञ क्या है? पहले तो आया था विधिहीनम। तो सतुगुण और रजोगुण के जो थे यज्ञ वो तो शास्त्रों के अनुसार थे, लेकिन तमोगुण का यज्ञ तो शास्त्रों के अगेंस्ट है, शास्त्रों के विरुद्ध है। शास्त्रों में इस तरह के यज्ञ की आहुति नहीं दी, इस तरह का वो यज्ञ करते, इस तरह की पूजा करते हैं। अश्रेष्ठ अन्नम और प्रसाद वितरण किए बिना, जहाँ भी इस तरह यज्ञ होता है, पूजा होती है, कुछ कार्यक्रम होता है, उसके अंत में कुछ प्रसाद वितरण होना चाहिए। थोड़ा हो भले ही, लेकिन प्रसाद वितरण होना चाहिए। तो बिना प्रसाद के किया गया कार्य, बिना प्रसाद के किया गया प्रोग्राम रजोगुण तमोगुण, तमोगुण में हो जाता है। देखा इसको, जितने कार्यक्रम होते, कुछ भी दिन, किसी भी दिन हो,
प्रसाद उसमें हमेशा रहता है। कोई इस तरह प्रोग्राम आप आए हो मंदिर में कि प्रोग्राम हुआ लेकिन प्रसाद नहीं था, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं, प्रसाद हमेशा रहता है। हो सकता है उसकी क्वांटिटी कम हो तो, लेकिन प्रसाद रहना चाहिए। कभी भी हम इस तरह कुछ कार्यक्रम करें, प्रसाद उसका अभिन्न अंग होना चाहिए। और मंत्र है ना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। हमारे कृष्ण मंत्र का जप करते कीर्तन, तो कीर्तन होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए शास्त्र के आदेश के अनुसार। अदक्षिणम, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना। तो इस तरह कोई व्यक्ति पर्सनल अपने वो कर रहा था, यजमान होता है तो उसको उसके लिए जरूरी है कि जो पुरोहित उस यज्ञ में भाग ले रहा है उनको कुछ दक्षिणा दे। कुछ भी दक्षिणा, जरूरी नहीं बहुत बड़ी दक्षिणा देने की आवश्यकता है, लाखों में करोड़ों में इस तरह, लेकिन जो उसकी श्रद्धा के अनुसार, स्वेच्छा के अनुसार, क्षमता के अनुसार कुछ दक्षिणा पुरोहित को देना चाहिए। वो भी अगर दक्षिणा नहीं देगा तो वो तमोगुण में गिर जाएगा। श्रद्धा विरहितम, और बिना श्रद्धा के अगर वो इस तरह कर रहा है तो वो भी तमोगुण में। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके बिना शास्त्र के अनुसार प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, बहुत तामसी माना जाता है। तो इस तरह यज्ञ में ये सब होना आवश्यक है। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं और फिर वे इसे धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। इसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, ये तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। तो पहले तो पूजा किया, यज्ञ किया धन प्राप्त करने के लिए, धन आ गया, धन से मनोरंजन के कार्य कर रहे हैं, तो ये धार्मिक अनुष्ठान वो नहीं है। तो उसका उद्देश्य तमोगुण में हो जाता है इस तरह। ये तमोगुण का यज्ञ बिना यज्ञ शास्त्रों के आदेशों के, बिना प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्र के बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना और बिना श्रद्धा के साथ अगर किया जाता है तो वो तामसी कहलाता है। तो ये आज हमने तीन प्रकार के यज्ञ चर्चा की, सात्विक यज्ञ, रजोगुणी यज्ञ और तामसिक यज्ञ। कल हम चर्चा करेंगे तीन प्रकार की तपस्या। कल चर्चा करेंगे तीन प्रकार की तपस्या, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, ये तीन प्रकार की तपस्या कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।